हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का मसाला किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग एकदम पंजाबी स्टाइल में। तो 500 ग्राम हमने सरसों का साग लिया है, इसको काट के अच्छे से धुल लिया। एक टमाटर लिया जिसको हमने बारीक काट लिया, एक बड़े साइज़ के प्याज जिसको भी हमने बारीक काट लिया, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हींग, एक हरी मिर्च जिसको हमने बारीक काटा है, दो लाल साबुत मिर्च, आधा चम्मच अदरक जिसको भी हमने बारीक काट लिया, एक चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। एक कप हमने सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अच्छे से धुआं आने लगा। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसको चलाएंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हींग, जीरा, खड़ी मिर्च, इन सबको 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। दो मिनट हमारा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, डालेंगे साल्ट, पहले थोड़ा साग मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे टमाटर, डालेंगे नमक, एक मिनट के लिए इसको ऐसे पकाएंगे, थोड़ा ही पकाएंगे, ढकना नहीं है। एक मिनट हो चुका, अब बाकी साग भी डाल देंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहे और इसको ढक के पकाना है। एकदम पंजाबी स्टाइल में बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बीच बीच में चलाते रहे। छः से 7 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है, अभी पूरी तरह से पका नहीं, इसको वापस फिर ढक दें। 10 से 12 मिनट तक हमने यहाँ मीडियम फ्लेम पर पकाया, अब गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई करके पकाएंगे। अब ऐसे खुला ही पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहें, अच्छे से भूनना है। इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से चला चला के। मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है पंजाबी स्टाइल सरसों का साग। अभी 2 मिनट और भूनेंगे,
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, साथ में हमने हींग डाला था, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। सरसों के साग में हींग जरूर डालें। ये देखिए हमारा साग बनकर रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, साग को हम बॉल में निकाल लेंगे। बहुत अच्छा कलर भी आया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए लग रहा ना एकदम पंजाबी स्टाइल सरसों का साग। ये हमने पीली सरसों का साग लिया था, काली सरसों का साग ना बनाएं। पीली सरसों का साग बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है, आप भी पीली सरसों का साग बनाएं।